नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। राजधानी समेत देश के कई राज्यों में सर्दी का तांडव जारी है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। इसका असर हवाई उड़ानों और ट्रेनों पर पड़ा है। ज्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी लेट चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम का यही हाल रहने वाला है। दिल्ली, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में आने वाले 5 दिनों में कोहरे का कोहराम देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के चलते लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 दर्ज किया गया। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 11 और 12 दिसंबर को बारिश होने की संभावना बन रही है, जिससे हवा क्वालिटी में सुधार होगा। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि 11 और 12 दिसंबर को दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसकी वजह है कि अगले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के ऊपर से होकर गुजरेगा। पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कुलदीप श्रीवास्तव ने आगे बताया कि 14 दिसंबर से दिल्ली का तापमान एक बार फिर गिरना शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं दिल्ली के मौसम में ठंडक बढ़ाएंगी। इन तीनों राज्यों में फिलहाल हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीत लहर जैसे हालात बन सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।